स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एके मिश्रा जी, राजनीतिक सलाहकार। एके मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले आपसे रिएक्शन जी। आज कुछ देर में वोटिंग खत्म हो चुकी है लेकिन काउंटिंग शुरू होने वाली है जी। दावे सबके आपको मैंने सुनाया और अमूमन दर्शकों ने सुना, लेकिन अब क्या उम्मीद? नहीं देखिए, मैं शुरू से ही आपके चैनल पे बोलता रहा हूँ कि आशावादिता क्या होती है ये पॉलिटिशियंस या राजनीतिज्ञों से सीखना चाहिए। अंतिम दम तक इवन हारने के बाद भी ये हार में बड़ी कुशलता से अपनी जीत को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ये एक किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं, इनकी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन देखा यहाँ पे जाए तो सबसे पहली चीज जो एनालिसिस करने वाली है, मैं बोलता हूँ डाटा सबके पास है, आप डायनामिक्स को देखिए, आप राजनीति की जो गतिकी होता है आप उसको देखिए। देखिए क्रॉस वोटिंग और निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं, इनका डिसीजन जो होगा ये जिस तरफ झुकेंगे ये पूरे के पूरे गेम के रिजल्ट को चेंज करेगा। बिल्कुल सही, यही बात हम सब भी फोकस कर रहे हैं कि निर्दलीय और राजा भैया आखिर ये किधर जाएंगे और वही पलड़ा भारी होगा या कम होगा। जी सुरेश, एक व्यक्ति को दलित चेहरा बना करके अगर राष्ट्रपति के रूप में सामने ले आते हैं तो एक व्यक्ति को लाने से हमें लगता है कि कहीं पे पूरे दलित समाज का कल्याण होने वाला है। तो नहीं, मायावती जी भी अकेले थी जिन्होंने पूरा तालका मचा दिया। मायावती जी भी अकेले ही थी, दलित कन्या थी और अकेले ही उन्होंने तालका मचा दिया। तो रामनाथ कोविंद को अगर अकेले लाया गया, बिल्कुल देखिए एक ही आदमी काफी है सर परिवर्तन लाने के लिए। गांधी भी एक थे, सब एक ही है, तो आप उसको भी कमतर करके मत आंकिए। चलिए के मिश्रा जी आपके पास आना चाहेंगे। राजा भैया का पैंतरा समझ में नहीं आया। पहले अखिलेश से मिलते हैं, वोट कास्ट करते हैं, सीएम से जाकर मिलाते हैं और कहते हैं मायावती के साथ नहीं हूं लेकिन अखिलेश के साथ हूं। संजय, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे ज्यादा एनालिसिस इसी चीज को करनी चाहिए कि एक इंडिविजुअल कैंडिडेट या व्यक्ति का बिहेवियर क्या होता है और पल पल कैसे बदलता है। देखिए राजा भैया का दो दिन पहले ट्वीट आया कि मैं बसपा के साथ नहीं हूं, सपा के साथ हूं। ये चीज वो ये भी बोल सकते थे उस ट्वीट में कि मैं बीजेपी और बसपा के साथ नहीं हूं। उन्होंने बीजेपी का ऐड नहीं किया, समझने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद खबर आती है दोपहर को जो है फर्स्ट हाफ तक की बीजेपी के लीडर एक टॉप लीडर है उनसे ये मिले। फिर उसके दो घंटे बाद राजा भैया का ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ अपनी प्रतिबद्धता जताई। अखिलेश यादव जी ने रीट्वीट करके उन्हें धन्यवाद बोला। फिर अभी एक चैनल पे मैं देख रहा था कि खबर आई कि राजा भैया ने फिर अपना स्टैंड बदल दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। दो चीजें हैं, या तो राजा भैया ये चाहते हैं कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और नेशनल लेवल पे हम टीवी मीडिया हर जगह पे हाईलाइट होते रहे, इसलिए वो बार बार जो है अपनी रणनीति को बदल रहे हैं, अपने एक्शन को बदल रहे हैं। या तो ये एक सोची समझी चाल हो सकती है कि लास्ट तक सारी पार्टियों को इंगेज करके रखे रहो, सारी पार्टियों को आप गफलत में करके रखे रहो, सारी पार्टियों से आप जो है बार्गेन करते रहो और अल्टीमेटली आपको जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, यानी बार्गेन, यानी मौके पे चौका, मौके पे चौका नहीं सर, छक्का भी नहीं, मौके पे अट्ठा मारने वाली बात है। तो ये दो फैक्टर है जो राजा भैया का बार बार स्टैंड बदल रहा है कि एक तो अपने आप को हाईलाइट करते रहो दिन भर, उसके बाद क्या है कि जो साहब आप मुस्कुरा रहे हैं आपके पास आते हैं, ये बताइए राजा भैया आपके हैं कि नहीं है? ट्वीट के जरिए तो बोल देते हैं लेकिन सीएम से भी मिलाते हैं और आज ही के दिन ये सब करना था। योगी जी से अभी मिले, सीएम से मिलने के बाद खबर आ रही थी कि योगी जी से भी मुलाकात की। सीएम साहब ही योगी जी हैं, उन्हीं से मिलके आए हैं। अखिलेश यादव से भी मिले थे। हाँ तो क्या आपके हैं? गोलमोल जवाब नहीं, सीधा जवाब। ये ट्वीट मिलना, अखिलेश की तारीफ करना, मायावती के साथ ना होना, फिर सीएम से मिल लेना। सर एक दिन में कितनी बार निष्ठा बदल सकती है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। अरे योगी जी से तो माननीय शिवपाल जी भी मिले और प्रणा यादव जी भी मिली। आज के दिन सर वोटिंग के दिन खबरें आई कि नहीं वो तो ज्वाइन करने जा रहे हैं। अरे एके सिंह साहब सुन लीजिए, आपके आप विद्वान, बहुत विद्वान पत्रकार है। नहीं सर, बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं, अच्छी बात है। धन्यवाद सर।